हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने आज प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री के पास गुहार लगाने की बात कही। सर्व कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि हम मास्टर रेपुटेशन के तौर पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से सभी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लेकर मीटिंग करेंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांगों को मूलचंद शर्मा के सामने रखने के लिए 24 डिपो के सर्व कर्मचारी उपस्थित होंगे, जिसमें मुख्य मांग किलोमीटर स्कीम और स्टेज कैरियर स्कीम 2016 रद्द करने की मुख्य मांग रहेगी। रोडवेज के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा मानते हुए उन्हें ग्रेस पॉलिसी में शामिल करने की भी बात कही मूलचंद शर्मा के सामने रखी जाएगी। भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार मंत्री जी की तरफ से उनके अधिकारियों की तरफ से क्यों किया जा रहा है, तो ये सवाल जानने के लिए हम उनको मिलने के लिए कल जा रहे हैं। मास डेपुटेशन का हमारा कार्यक्रम है। मास डेपुटेशन में हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहेंगे। कहां कहां से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, कितनी संख्या होने वाली है? पूरे प्रदेश के 24 डिपो हैं हमारे, 13 सब डिपो हैं, मंत्री कार सेक्शन है, HREC गुड़गांव है, तो हमारे जो टोटल 34 दायरे हैं, 34 के 34 दायरों से ये हमारे कर्मचारी उसमें शामिल होंगे और हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं लोग आएंगे। मुख्य मांगों में हमारी किलोमीटर स्कीम और जो है स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने की मांग है। रोडवेज के कर्मचारी को कोरोना योद्धा मानते हुए एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में शामिल करके 50 लाख रुपए मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग है और जो है 2016 में भर्ती हुए चालकों को पक्का करने की मांग है। परिचालक के ग्रेड पे की मांग है। वर्कशॉप के जो टेक्निकल स्केल जिन लोगों का अब नहीं मिला है उनको टेक्निकल स्केल देने की बात है और अन्य बहुत सारी छोटी छोटी हमारी मांगे हैं, तो नई भर्ती की मांग है और जो है रोडवेज के बेड़े में बसें शामिल करने की बात है, क्योंकि प्रदेश की जनता 3 करोड़ की आबादी हमारे प्रदेश की लगभग। मेरा नाम इंदर सिंह बदाना, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज प्रेस वार्ता की है, कल क्या कुछ जो है देखने को मिलेगा? घेराव की बात कर रहे हैं आप, क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं और क्या किस तरह का होंगे? हम ये कह रहे हैं फिर बार बार एक बार फिर आप, हम मास डेपुटेशन के तौर पे मंत्री जी से मिलने जाएंगे। हमारा कार्यक्रम घेराव का नहीं है, बिल्कुल शांति प्रिय कार्यक्रम होगा। हम मिलके जो पहले हमारी मानी गई मांगे हैं उनका सवाल करेंगे और उनसे पूछेंगे भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार मंत्री जी की तरफ से उनके अधिकारियों की तरफ से क्यों किया जा रहा है, तो ये सवाल जानने के लिए हम उनको मिलने के लिए कल जा रहे हैं। मास डेपुटेशन का हमारा कार्यक्रम है। मास डेपुटेशन में हमारे पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल रहेंगे। कहां कहां से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, कितनी संख्या होने वाली है? पूरे प्रदेश के 24 डिपो हैं हमारे, 13 सब डिपो हैं, मंत्री कार सेक्शन है, HREC गुड़गांव है, तो हमारे जो टोटल 34 दायरे हैं, 34 के 34 दायरों से ये हमारे कर्मचारी उसमें शामिल होंगे और हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं लोग आएंगे। मुख्य मांगों में हमारी किलोमीटर स्कीम और जो है स्टेज कैरिज स्कीम 2016 रद्द करने की मांग है। रोडवेज के कर्मचारी को कोरोना योद्धा मानते हुए एक्स ग्रेसिया पॉलिसी में शामिल करके 50 लाख रुपए मृतक के परिवार को मुआवजा देने की मांग है और जो है 2016 में भर्ती हुए चालकों को पक्का करने की मांग है। परिचालक के ग्रेड पे की मांग है। वर्कशॉप के जो टेक्निकल स्केल जिन लोगों का अब नहीं मिला है उनको टेक्निकल स्केल देने की बात है और अन्य बहुत सारी छोटी छोटी हमारी मांगे हैं।